तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करेंगे बुरुट एपिसोड नंबर 25 का इन दी एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो और चलो एक स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पर इरुका सेंसर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, अब एकेडमी में क्या होगा। पर नरुटो वहाँ पर आ जाता है और फिर इरुका सेंसर से पूछते हैं, नरुटो क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नरुटो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे पास एक आइडिया थी जो मैं आपको बताने वाला था एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए, पर शायद वो आप नहीं माने। पर बाद में वो मोटी लड़की कहती है कि कुछ नहीं होगा नरुटो, बताओ तुम। तो फिर नरुटो फील्ड ट्रिप का इन्विटेशन उसको देता है, कहता है कि यार है वो फील्ड ट्रिप, हमें बच्चों को फील्ड ट्रिप में ले जाना होगा। तो फिर बुरुटो पीछे से आता है, कहता है अरे इरुको से, अरे सर माफ़ कर देना। फिर बाद में इरुको सर कहते क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कोई टेक्निक सीख के यहाँ पर हमें दिखाने आए हो क्या। फिर बुरुटो कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोई टेक्निक नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ यहाँ पर देख रहा था आपको। और तब वहाँ पर नरुटो आता है, कहता है हे बुरुटो यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बुरुटो को गुस्सा आता है। फिर अगला सीन क्लास का होता है जिसमें बच्चे क्लास में होकर बैठ कर बोर हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शारदा कहती है कुछ नया होना चाहिए, बहुत बोर हो रहा है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिनोसेंस है और उनकी जो मॉनिटर होती है जो कि क्लास रैप, वो बताते हैं कि आज हमारी फील्ड ट्रिप होने वाली है मिस्ट विलेज में, मतलब लैंड ऑफ वाटर की विलेज में। तो फिर बच्चे बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर चोचो कहती है कि वहाँ पर खाने के लिए कितना मज़ा आएगा, बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा उस ट्रिप में। और फिर यहाँ पर शिनोसेंस कहते हैं बच्चों शांत हो जाओ और अभी सुनो, ये ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए उस दौरान हमें कोई लीडर चाहिए होगा उसको संभालने के लिए। तो बोलो कौन होगा लीडर। तो यहाँ पे बच्चे बातचीत करते रहते हैं। वेट ए मिनट, ये क्या काशी। तो गाइस यहाँ पर होता ये है कि बाद में फिर यहाँ पर सर कहते हैं सबको कि कोई ना कोई लीडर बनाओ, मतलब कोई कोई लीडर बनेगा, तो कौन बनेगा लीडर बताओ। और यहाँ पर बुरुटो को ऊपर लटकाया होता है। और फिर यहाँ पर जो शिकाड़ा होता है वो कहता है कि मैं लीडर नहीं बनूंगा, बहुत बोर होता है। और फिर जो इनोजिन होता है वो भी कहता है कि नहीं मैं भी नहीं बन सकता लीडर। और फिर क्लास रैप कहती है कि प्लीज़ मुझे मत बनाओ, मुझे मत बनाओ, मेरा नाम मत लो सर, प्लीज़ 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 ऐसा कहती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो शारदा होती है वो हाथ ऊपर उठाती है और कहती है कि सर सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आप बुरुटो को जल्दी से जल्दी लीडर बनाए, क्योंकि वो बहुत, उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ है सबसे ज़्यादा, और फिर मतलब वो सबका ध्यान उसके पास ही रहेगा, मतलब वो कोई शरारत भी नहीं कर पाएगा। और फिर बेचारा बुरुटो फंस जाता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाता, उसका मुंह बंद होता है। और फिर कैसे वैसे करके वो लीडर बना ही देते हैं उसको। और फिर हम देखते हैं कि उसका नाम वहाँ पर लिख देते हैं। और फिर बुरुटो नीचे उतरता है, कहता है कि शांत हो जाओ सब, मैं क्यों लीडर बनूँ, तुम्हें मेरी परवाह है क्या नहीं, क्या तुमने मुझे पूछा कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं, क्यों बता रहे हो लीडर। पर आखिर में बुरुटो लीडर बन ही जाता है। और फिर बुरुटो कहता है हाँ हाँ हँसो हँसो लीडर बन गया हूँ मैं। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है पर हम मज़ा वहाँ पर बहुत करेंगे, मैं लीडर जो होने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा पे आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम सब, और भाग जाता है। और फिर शारदा कहती है ए क्या कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो यहाँ पर पैकिंग करता रहता है उसके ट्रिप की। और फिर उसकी मोम आती है और कहती है कि तुम ये अजीब सी चीज़ वहाँ पर लेके जा रहे हो, तुम्हें सर डांटेंगे तो नहीं। और फिर बुरुटो कहता नहीं मुझे नहीं डांटते, मैं लीडर हूँ। और फिर युवा वाली कहती है कि भैया मज़े करना। तो फिर बुरुटो कहता है हाँ तुम भी घर पर मज़े करना। और फिर बुरुटो यहाँ पर दो दो बैग लेकर निकल जाता है और कहता है कि मॉम बाय मैं जा रहा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सब विलेज के बाहर खड़े होते हैं और बुरुटो का वेट करते रहते हैं। और बुरुटो लेट हो जाता है और बाद में वो एक ट्रेन के ज़रिए अपने विलेज में निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो एक बोट के ज़रिए उस विलेज में जाते हैं। और मतलब उनके जर्नी के दौरान यहाँ पर वो बहुत मज़े करते हैं एक बोट पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोचो बहुत सारे फ्रूट्स लाती है जिसमें से वो एक कैडबरी निकालती है और कहती है कि तुम दोनों खाओगी, और उन दोनों को भी देती है और वो खाने लगते हैं और बात करने लगते हैं। जब बुरुटो आता है और वो भी देखने लगता है उनको कि अरे यार मुझे क्यों नहीं मिली। और फिर बुरुटो उनके पास आके कहता है ये लड़की हो क्या कर रही हो हाँ। और फिर ऐसे करते करते अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्ड्स खेलना चालू हो जाते हैं जिनमें इनोजिन सिकाड़ाई और इवाबे और बुरुटो भी कार्ड्स खेलते रहते हैं अंदर। और फिर वो कहते हैं कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, अभी देखो मेरी चाल। और वैसे करते करते वो तीनों थक जाते हैं खेलते हैं और कहते हैं कितना बोर हो रहा है। और फिर रात को हम देखते हैं कि अचानक से बुरुटो आधी रात में उठ जाता है और उसको मिस के बाहर मिलता है और वो कहता है कि अब उस विलेज में जाकर मैं बहुत तबाही मचाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि मिस्की कहता है चलेगा बहुत तबाही मचाना, अब सो जाओ बुरुटो, सुबह जल्दी उठना है। और फिर बुरुटो कहता है कि हाँ ना यार। और फिर
मिस्की कहता है देखो वो रहा वो विलेज, अब जल्दी हम उस पर पहुंच जाएंगे। और तब देखते हैं गाइस कि हम उस विलेज में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद बुलटो कहता है वाह कितना मस्त विलेज है, अब कितनी मज़ा आएगी हम जहाँ पर अब जाएंगे। और तभी उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है कागुरू। और वो पहुँचने के बाद वो लड़का कहता है वेलकम टू हमारे विलेज जिसका नाम है मिस्ट विलेज, लैंड ऑफ वाटर का विलेज, तो आपका स्वागत है हमारे विलेज में, मैं आपको आगे से गाइड करूंगा। और उस लड़के का चेहरा देखकर बाकी लड़कियों के तो होश उड़ जाते हैं। और बुरुटो कहता है क्या ये नौटंकी। और हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है हे लड़के हाथ मिलाओ मुझसे, मैं हमारी टीम का लीडर हूँ और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। और फिर लड़का कहता है कि हाँ चलेगा कोई बात नहीं बुरुटो, अच्छा नाम है तुम्हारा। और फिर उससे हाथ मिला लेता है। हाथ मिलाने के बाद हम देखते हैं कि वो इस विलेज में एंट्री मार देते हैं और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती है, वहाँ पर वो देखते रहते हैं। और उनको एक शॉप मिलती है जहाँ पर एक कार्ड होता है जो कि महंगा होता है। और बुलटो को लगता है कि उसके पैसे वहाँ पर खर्च नहीं करने चाहिए, पर उसको बहुत पसंद आता है और उसको समझता नहीं क्या करना है। और फिर बुलटो कहता है क्या तुम्हारी स्वॉर्ड है वाह कितनी अच्छी है। और स्वॉर्ड के साथ साथ वो एक जो मासा का एक किचन होता है वो देखता है और कहता है वाह ये कितना मस्त है। और फिर वो लड़का कहता है हाँ मुझे भी कागे मासा बहुत पसंद है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेंकी होता है वो उसको ख़रीदने के लिए करता है क्योंकि वो बहुत अमीर होता है और वो कहता है कि मैं अभी इसको ख़रीद लूँगा इस लड़के से, पर वो लड़का नहीं देता। और ये बुरुटो उसके साथ मतलब बहुत चिपका चिपका सा लेने लगता है। और फिर लड़कियाँ कहती है कि देखो ये बुरुटो उस लड़के का ध्यान उसके तरफ खींच रहा है, देखो ना कोई रोको इसे। और तब हम देखते गाइस कि यहाँ पर बुरुटो एक गली में चले जाता है और वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है बहुत भद्दा सा। और फिर वो कहता है कि ए, और फिर वो इवाबे से लड़ झगड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारा विलेज बहुत घटिया है। और फिर पीछे से डेंकी आता है कहता है क्या बोला रे तूने, हाँ बोल वापस एक बार। और तभी बुरुटो आता है और कहता है तुम हमारे विलेज के साथ क्यों कर सकते हो, तुम्हारा विलेज ही भद्दा है, तुम्हारे विलेज में देखने लायक कुछ नहीं है और इस विलेज में आकर बहुत बोर होता है। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अब तुम गए मेरे हाथ से। तभी बुरुटो हवा में उठता है और उसके मुंह पर एक पंच मारने लगता है और कहता है कि अभी ये लो तुम्हारी गलती की सज़ा। और तभी वो आगे हाथ करके अपने को डॉच कर लेता है और तभी मतलब उस आदमी को लगता ही नहीं कुछ। और फिर बुरुटो नीचे उतर कर कहता है कि हे क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम्हें ऐसा क्यों कहते हो। और तभी पीछे से एक आदमी आता कहता है कि हे बेटा शांत हो जाओ, हाँ ज़्यादा उछलो मत समझे, तुम इस विलेज में आए हो ना तो बस यहाँ पर मज़े करो। और तभी वो उस आदमी को लेकर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं जब वो जाते हैं तब वो कहते हैं बच्चों एंजॉय करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से बहुत धुआं धुआं होने लगता है, ये जो हिडन मिस्ट विलेज है उसमें। और फिर हम देखते हैं कि पूरे विलेज में धुआं धुआं होने लगता है। और फिर सरता कहती है क्या है ये धुआं कैसा। और फिर ये लड़का कागुरा जो होता है वो कहता है कि हाँ मतलब वो भी हैरान होता है कि इतना धुआं यहाँ पर कैसे आया, इतनी मिस्ट यहाँ पर कैसे आई और पूरे विलेज में ऐसी मिस्ट आ जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो। गाइस आगे का एपिसोड भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनिमे, आगे का वीडियो जल्दी आएगा गाइस।